हिंदुस्तान के सपूत अभिनंदन को चाय पिलाकर वाह वाही बटोरने वाले पाकिस्तान को अब भारत की चाय पीने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। वैसे पाकिस्तान में भारत की चाय निर्यात होती है, लेकिन खबरें हैं कि पाकिस्तान और ज्यादा चाय के लिए हिंदुस्तान से मांग कर सकता है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी बिल्कुल ना के बराबर हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत की चाय ही पीनी पड़ सकती है, क्योंकि चाय के बड़े उत्पादक देश केन्या में इस साल सूखा पड़ने की वजह से उत्पादन घट गया है। ऐसे में केन्या से चाय मंगाना पाकिस्तान के लिए बेहद महंगा होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से चाय खरीदने के लिए बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल पाकिस्तान को लगभग 1.58 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था, लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान के ऊपर 200% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए भारत की चाय सस्ती पड़ेगी, लिहाजा भारत से चाय का निर्यात 2019 में बढ़कर 2-2.5 करोड़ किलोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान में 2007 से 2016 के बीच प्रति व्यक्ति चाय की खपत लगभग 36% बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2027 तक चाय की खपत बढ़कर 2,50,000 टन तक पहुंच सकती है। अभी आंकड़ा 1,73,000 टन का है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन ने ली थी। आईटीए के चेयरमैन विवेक गोयनका ने कहा कि देश की टी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट्स में जाने की कोशिश कर रही है। भारतीय चाय के लिए रूस एक बड़ा मार्केट है। 2018 में रूस ने भारत से लगभग 4.5 करोड़ किलोग्राम चाय खरीदी थी। ईरान का आयात 3.6 करोड़ किलोग्राम और इजिप्ट का करीब 1.13 करोड़ किलोग्राम था। भारतीय चाय निर्यातक अब इराक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत से चाय का आयात करने वाले देश खरीदारी बढ़ाते हैं तो भारत का चाय निर्यात 2020 तक बढ़कर 30 करोड़ किलोग्राम हो सकता है। पिछले साल केन्या में 49.2 करोड़ किलोग्राम की रिकॉर्ड फसल हुई थी। इससे ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस गिर गए थे। इसका भारतीय चाय पर भी असर पड़ा था, लेकिन इस साल केन्या में चाय की फसल काफी कम होगी। इंडियन टी एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान से नियमित भुगतान होता है, इसे लेकर भारतीय चाय निर्यातकों को अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। पाकिस्तान अच्छी मात्रा में भारतीय चाय खरीद रहा है और अगर ये ट्रेड जारी रहता है तो इस साल उस चाय का निर्यात बढ़कर 2-2.5 करोड़ किलोग्राम तक पहुँच सकता है।